सभी को राधे राधे, सभी को जय माँ पीताम्बरा। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा और सहारा समय के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज का जो विषय है वो है धनतेरस। धनतेरस पर हम कैसे माँ लक्ष्मी को, कुबेर जी को और धन्वंतरी जी को कैसे प्रसन्न करके अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं, कैसे अपने घर को धन्य धान से संपूर्ण कर सकते हैं, कैसे अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो सबसे पहले कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। इस दिन कहा जाता है कि धन्वंतरी जी का उत्पत्ति हुई थी। जिस समय समुद्र मंथन हुआ उस समय धन्वंतरी जी अपने हाथ में अमृत कलश लेके उत्पन्न हुए। इस अमृत कलश से जुड़े हुए कुछ विशेष उपाय जो हमारे घर में धन्य धान से हमें भरपूर संपूर्ण कर सकते हैं, आज मैं आपको बताने वाली हूँ। दूसरा, कैसे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है और कैसे झाड़ू से किए गए उपाय से भी क्या माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो सकती हैं, वो हमारे घर में संपूर्णता, धन्य धान की पूरी संपूर्णता ला सकती हैं। आइए जानते हैं कैसे गणेश जी को, धन्वंतरी जी को और लक्ष्मी जी को और कुबेर जी को करना है प्रसन्न। तो सबसे पहला जो उपाय जो हम धनतेरस पर करेंगे वो इस प्रकार है। आपने आज के दिन सोना, चांदी, रत्न, आभूषण, बर्तन खरीदते हैं, लेकिन आज के दिन आप खरीद के लाएंगे एक लोटा या एक मटकी, जिसमें आपने भरने हैं कोई भी धान्य, जैसे आप चावल भर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा रख लीजिए कपूर और हल्दी की 5 गांठें। इसके ऊपर पंच पल्लव रखने के साथ साथ इसके ऊपर एक नारियल रख के अगर आप धनतेरस के दिन अपने मंदिर पे इसको स्थापित करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन्य धान की कमी नहीं रहेगी और आपकी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें जो अगर आपके घर में चल रही हैं वो भी दूर होंगी। दूसरा उपाय, अपने घर में उत्तर पूर्व कॉर्नर यानी ईशान कोण में एक लोटा पानी भर के ज़रूर रखें और धन्वंतरी जी का को अभिमंत्रित करते हुए, उनको याद करते हुए ये उनसे प्रे करें कि आपके घर में जो भी दिक्कतें चल रही हैं वो दूर हो और वो अमृत कलश अमृत में बदल जाए। और इस कलश से लिया हुआ पानी आप पीजिए, जो आपके घर में बीमारी है, बीमार है, रोगी है, उसको पिलाइए और अपने घर में छिड़काव करना ना भूलिए। अब जानते हैं कि लक्ष्मी जी का और झाड़ू का क्या संबंध है। कहा जाता है कि उस घर में ही माँ लक्ष्मी आती है जो घर पूरी तरह से साफ सुथरा संपूर्णता से पूर्ण होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सफाई होती है। तो सफाई करने का जो औजार, जो मशीन है वो है झाड़ू। तो कहा जाता है कि धनतेरस पर अगर आप झाड़ू खरीद के लाते हैं इससे भी माँ प्रसन्न होती है। तो सबसे पहला उपाय, धनतेरस वाले दिन आपने पुराने झाड़ू की भी पूजा करनी है और नया झाड़ू भी खरीद के लाना है। नया झाड़ू हमेशा इवन फिगर में लेके आइए, जैसे 2, 4, 6 झाड़ू लेकर के आइए, बहुत अच्छा रहेगा। आज के दिन जब आप झाड़ू खरीद के ला रहे हैं उस पर लाल धागा या लाल रिबन बांध के लाइए, उसके बाद इसकी पूजा करिए। जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं झाड़ू को तो इस पे काला धागा बांधना बिल्कुल मत भूलिएगा। कहा जाता है जैसे हमारे आभूषणों को, हमारे धन्य धान को नज़र लगती है, वैसे झाड़ू को भी नज़र लगती है। इसलिए झाड़ू को भी काला धागा बांध के अगर आप पूरा साल इस्तेमाल करते हैं तो आपके घर में बरकत भरी रहती है। कहते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो रहे हैं, उधार चढ़ रहा है, बहुत सारा लोन डेप्ट हो रहे हैं, तो अगर आप झाड़ू का ध्यान रखेंगे तो आपके ऊपर उधार और डेप्ट ये सब नहीं होगा। अब हम सबसे ज़्यादा विशेष जो मुहूर्त है उसके बारे में जान लेते हैं। आप लोगों को पहले बता दूं कि 10 नवंबर को दिन शुक्रवार वाले दिन जो आपकी त्रयोदशी तिथि लग रही है वो लग रही है दोपहर 1:56 से शुरू हो रही है। लेकिन जो वृषभ लग्न हमें मिल रही है या जो अमृत वेला जो हमें मिल रही है, जो प्रदोष काल हमें मिल रहा है, वो हमें 5 बजे के बाद मिल रहा है। तो जो भी आपने घर के लिए खरीदारी, आभूषण, रत्न, बर्तन, गणेश लक्ष्मी जो भी लाना चाहते हैं वो शाम 5 बजे के बाद लाइए। इस समय आपको वृषभ लग्न मिल रहा है। इसके उपरांत आपको मिलेगा मिथुन लग्न। मिथुन लग्न में की गई पूजा बहुत अच्छी मानी जाती है, तो आप अपने घर में पूजा ज़रूर करें। और अगर इस समय आप लक्ष्मी गणेश खरीदते हैं अपने व्यवसाय के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। वृषभ लग्न के लिए अपने घर में
के लिए लक्ष्मी गणेश खरीदना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसके बाद आएगी आपकी कर्क लग्न 10 बजे के आसपास। इस समय अगर आप लोग जल से संबंधित कोई काम करते हैं, रत्नों से संबंधित कोई काम करते हैं, तो उसका क्रय विक्रय जरूर करिए। इसके बाद सिंह लग्न आपकी 12 बजे लग जाएगी। अगर आपका कोई राज्य से जुड़ा हुआ कोई काम है और वो काम आप करते हैं, या फाइल से जुड़े हुए कोई उपाय करते हैं, या आप कोई बड़े मंत्रियों से अपने संबंध बनाना चाहते हैं, तो उनसे अगर आपका कुछ मीटिंग हो जाती है या वार्तालाप होता है, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आपके लोगों के लिए जो शुभ समय शुरू हो रहा है वो शाम 5 बजे से शुरू हो रहा है और ये रहने वाला है 12:30-1 बजे तक। तो इस समय अपने से संबंधित, अपने कार्य से संबंधित चीज़ें खरीदिए। जो लोग गाड़ी ले रहे हैं वो लोग वृषभ लग्न में, यानी 5 बजे से लेके 7 बजे के बीच ले लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन लग्न में जो चीज़ें आप लेंगे वो अपने व्यवसाय से संबंधित लेंगे, और कर्क लग्न में जो संबंधित आप चीज़ें लेंगे वो आप जल से संबंधित लेंगे, या आप किसी को खुश करने के लिए, अपनी माता को, अपनी पत्नी को, अपने परिवार को, अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो चीज़ें लेना चाहते हैं वो उस समय भी आप लोग ले सकते हैं। तो ये मेरे कुछ उपाय हैं जो झाड़ू से जुड़ा है और कलश से जुड़ा है, ये करें और पूरा साल अपने घर में धन निधान से पूर्ण रहे। आपकी आर्थिक स्थिति इससे मजबूत होगी। और एक चीज़ जो बहुत विशेष है आप लोगों के लिए, कहा जाता है कि चांदी में लक्ष्मी जी और स्वर्ण में विष्णु भगवान बसते हैं, तो अगर आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने या चांदी के लक्ष्मी गणेश ला सके तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार मिट्टी के भी लक्ष्मी गणेश ले आते हैं वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा तन पंच मूलभूत तत्व मिट्टी से बने हैं, और अगर हम मिट्टी से बने हुए लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं तो वो भी बहुत अच्छी रहती है। आज ही के दिन से आपके घर में लक्ष्मी गणेश की पूजा शुरू हो जाएगी, जो आप नए लेके आ रहे हैं, और जो आपके घर में पुराने लक्ष्मी गणेश हैं वो भी यहाँ पर आज के दिन पूजित किए जाएंगे। उनको जिस दिन तिलक होगा, भैया दूज होगा, उस दिन वहाँ से उनको हटाया जाएगा। तो आगे की प्रोसेस हम लोग आगे आपको बताते रहेंगे। आज के लिए धनतेरस के उपाय के लिए इतना ही। आप सभी को मेरा नमस्कार, सभी को राधे राधे और हैप्पी धनतेरस।